तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है और कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है और फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको यूज करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं मेरा नाम है राजीव और आप देखकर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है अपने लैपटॉप में टेलीग्राम चैनल ओपन करना है टेलीग्राम ओपन होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे सर्च कर लेना है क्रिएटर क्लासरूम तो दोस्तों आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आप मेरे चैनल पे आ जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको जो है नोट थ्री सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा तो दोस्तों आपको क्या करना है इस लिंक पे क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और जैसे ही दोस्तों आप इस वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ फॉर विंडो तो दोस्तों आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और जैसे दोस्तों आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पी में ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है ठीक है जब दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये यह कुछ इस तरह से दिख जाएगा कि यहाँ पे ये यह डाउनलोड हो चुका है ठीक है उसके बाद दोस्तों सो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है सो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपका जिस भी फोल्डर में डाउनलोड हुआ होगा उसमें ये आपको दिख जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल कैसे करते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है ये जो हमारा सेटअप फाइल है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे राइट right क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यस और नो कहेगा तो आपको यस कर देना है यस करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आएगा और उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट 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 करके इसे इंस्टॉल कर लेना है ठीक है तो ये दोस्तों मैंने इंस्टॉल कर लिया है तो दोस्तों इसे मैं कैंसिल करता हूँ ओके okay. दूसरा काम आपको क्या करना है वापस से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है ठीक है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से ये यह जो वेबसाइट दिख रही है ठीक है आपको इस लिंक को ओपन करना है ठीक है अगर आप मैथ टीचर हैं तो दोस्तों ये जो कंटेंट है ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है तो दोस्तों आपको क्या करना है इस वाले लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है ठीक है यहाँ पे दोस्तों आपको जो है मैथ पढ़ाने के लिए जो है कंटेंट मिल जाएंगे ठीक है अब मान लीजिए दोस्तों कि मुझे पढ़ाना है ल लाभ एंड हानि ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमें अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इस वाले कंटेंट को ओपन कर लूंगा यहाँ पे एड्स वगैरह आएगा तो दोस्तों आपको क्या करना है बंद करें यहाँ आपको क्लिक कर देना है तो ये बंद हो जाएगा ठीक है और देन दोस्तों आपके सामने जो है ये मैथ का सवाल आ जाएगा ठीक है ये आ जाएगा उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है इसे कर देना है मिनिमाइज और इस टेलीग्राम चैनल को कर देना है क्लोज क्योंकि इसका काम हो गया है ठीक है इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उस सॉफ्टवेयर को दोस्तों आपको क्या करना है ओपन करना है ठीक है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों मैंने ये जो है आ, पी बनाई है ठीक है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एक एक फंक्शन बताऊँगा सेटिंग कैसे करना है क्या करना है सब कुछ बताऊँगा ओके तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ इसे आप पहले समझ लीजिए उसके बाद दोस्तों आप इसे ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से जो है मैथ पढ़ाना सीख जाएंगे ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करना है इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है ठीक है इसका आइकन कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पे दोस्तों डेस्कटॉप पे ये आइकन दिखेगा लेकिन मैंने उसे डिलीट कर दिया है और इसे दोस्तों यहाँ पे हमने पिन कर दिया है आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर दिखेगा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्ट का ऑप्शन आएगा तो दोस्तों उस पर क्लिक करके आप जो है इसे स्टार्ट इस में जो है यहाँ पे पिन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ ये देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों इसका नाम है नोट थ्री तो ये है दोस्तों हमारा नोट थ्री और ये कुछ इस तरह से दिखता है ठीक है अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमाइज का बटन दिख रहा है मैक्सिमाइज का बटन दिख रहा है और इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करने का बटन दिख रहा है अगर आपको ये दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं अगर आपको ये नहीं दिखाना है अपनी वीडियो में तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे ये मेन्यू बार आपको जो दिख रहा है यानी कि यहाँ पे ये यह जो तीन लाइनें दिख रही है आपको यहाँ क्लिक करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोड आपको यहाँ क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से टीचिंग मोड में इसे ओपन कर लेना है तो जैसे दोस्तों आप इसे टीचिंग मोड में ओपन करेंगे तो ये जो है बिल्कुल इस तरह से देखने लग जाएगा यहाँ पे दोस्तों जो भी बटन था वो सारी चीजें यहाँ से हट जाएगा ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करना है आप चाहें तो इसके अंदर जो है अपना पीपीटी या पीडीएफ वगैरह इंसर्ट करके पढ़ा सकते हैं ठीक है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा लेकिन दोस्तों मैं पहले इसका जो भी फंक्शन है ठीक है पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो फंक्शन है वो क्या क्या है और कैसे उसे यूज कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं ठीक है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन मतलब वन मतलब वन पेज का इसमें एक जो है स्लाइड बनी हुई है जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो लिखा जाएगा यानी कि टू लिखा जाएगा और टू का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमारा जो है दो पेज का जो है स्लाइड बन गया है चलिए इसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो टू लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये दोनों पेज दिख जाएंगे पेज नंबर वन पेज नंबर टू फिर दोस्तों यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर थ्री पेज नंबर फोर तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाने होंगे ठीक है आपको जितना भी क्वेश्चन पढ़ाना होगा एक एक करके दोस्तों आपको हर एक पेज में जो है एक एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके जो है इस तरह से स्लाइड तैयार कर लेना है और जब ये स्लाइड तैयार हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ क्लिक कर देना है ठीक है हम जो है अपना स्लाइड कैसे तैयार करेंगे तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों पहले पेज पे आ जाते हैं और देन दोस्तों इसे पहले कर देते हैं यहाँ से हाइड ठीक है अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे अल्ट और टैब प्रेस करके आ जाएंगे गूगल क्रोम में ठीक है अल्ट और टैप प्रेस करके आ जाएंगे गूगल क्रोम में और देन दोस्तों अब हमें क्या करना है यहां से इन सवाल को सेलेक्ट करना है कंट्रोल से कॉपी करना है और देन अल्ट और टैप प्रेस करके डिजिटल बोर्ड में जाना है यानी कि नोट थ्री में जाना है और देन दोस्तों कंट्रोल भी प्रेस करके इस सवाल को कर देना है पेस्ट ठीक है अब ये कुछ इस तरह से पेस्ट हो गया है उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे इस सवाल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से माउस जो हमारा प्लस आइकन जैसा बन जाएगा उसके बाद दोस्तों इसे पकड़ के यहाँ पे रख देंगे ठीक है आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो कलर है ये थोड़ा सा ब्लैक आ गया है तो ये सही से विजुअल नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ठीक है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा फिर से मैं बता देता हूँ पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट करना है ठीक है पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ फिर से मैं आपको बताता हूँ ठीक है कंट्रोल भी प्रेस करके इसे पेस्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों इसे आपको जहाँ भी रखना होगा आप इस तरह से रख लेंगे और देन दोस्तों आपको क्या करना है इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना है और जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे ठीक है जैसे आप इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से दोस्तों आप जो है इसमें फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं दोबारा से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करके फॉन्ट कलर व्हाइट कर दूंगा तो ये हो जाएगा ठीक है अगर दोस्तों आपको फॉन्ट साइज इतना ही रखना है तो आप इतना ही रख सकते हैं अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पे 48 है तो दोस्तों आप यहाँ से जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं 36 कर देता हूँ ठीक है और देन दोस्तों ये हमारा हो गया है इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कर देना है लॉक लॉक करने से क्या होगा कि ये जो है इधर उधर हटेगा नहीं ठीक है इस तरह से आपको कर लेना है फिर दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा फिर यहाँ से लॉक ओपन करेंगे अब यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का लिखा हुआ आ रहा है तो दोस्तों यहाँ हम लोग क्लिक कर लेते हैं और बैक स्पेस से दोस्तों यहाँ पे जो थोड़ा सा सर्कल जैसा आ गया था उसे हटा देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा फिर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कर देंगे लॉक और इसका काम हो जाएगा तो एक पेज में दोस्तों आपको इस तरह से एक सवाल ऐड करा लेना है ठीक है यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पेज में जाएंगे पेज नंबर टू में जाएंगे और देन दोस्तों अल्ट और टैप प्रेस करके यहाँ से इस तरह से ठीक है अल्ट टैप प्रेस करके वेबसाइट पे जाएंगे और देन दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से दूसरा सवाल सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और फिर अल्ट और टैप प्रेस करके नॉट थ्री सॉफ्टवेयर में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल भी प्रेस करके इसे कर देंगे पेस्ट और फिर दोस्तों इसे जहाँ भी रखना होगा आप रख लेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है फिर पहले तो साइड में क्लिक करना है ठीक है पहले साइड में क्लिक करेंगे फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसके ऊपर एक क्लिक और करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और फिर दोस्तों यहाँ से फॉन्ट साइज जो है थर्टी सिक्स कर लेते हैं ठीक है और यहाँ से फॉन्ट जो है एरियल अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसमें मैं एडोप भी देवनागरी फॉन्ट अप्लाई कर दूंगा ठीक है तो इस तरह से अप्लाई हो जाएगा फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसमें अभी अप्लाई नहीं हुआ है मैं दोबारा से कर लेता हूँ तो इस तरह से ये हो जाएगा ठीक है और इसका फ़ोन साइज़ कम या ज़्यादा करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं तो इसका फॉन्ट साइज़ 48 रखना चाहें तो 8 रख सकते हैं और यहाँ से दोस्तों फॉन्ट कलर बदलना होगा तो आप यहाँ से फॉन्ट कलर व्हाइट रखेंगे और फिर यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कर देंगे लॉक और फिर इसे कर देंगे क्लोज तो इस तरह से दोस्तों अगर मुझे दो सवाल पढ़ाना है तो मैं दो पेज में मतलब जो है अलग अलग पेज में अलग अलग सवाल डाल दूंगा तो इस तरह से दोस्तों आपको पेज वन पेज टू पेज थ्री इस तरह से आपको कर लेना है ठीक है जितना सवाल आपको पढ़ाना होगा तो दोस्तों उतनी स्लाइड की जो है आपको ये पीपीटी बना लेनी है इसके अंदर ठीक है और फिर इसके ऊपर यहाँ पे कर देंगे क्लिक ठीक है आप देखिए यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है अगर मुझे पेज नंबर टू पे जाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो पेज नंबर टू पे चला जाऊँगा पेज नंबर वन पे जाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो पेज नंबर वन पे आ जाऊँगा और पेज नंबर वन पे हमें सवाल नंबर वन मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह का काम आप यहाँ से कर सकते हैं ओके उसके बाद दोस्तों अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है माउस सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है लेकिन दोस्तों अगर आपको पढ़ाना है तो आप यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे यहाँ आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगर आपको इसका फंक्शन देखना है मतलब यहाँ पे कौन कौन सा पेन है और उसका थिकनेस कितना कम या ज़्यादा रखना है वो सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक प्रेस करके रखेंगे ठीक है थोड़ा लंबे समय तक आप यहाँ क्लिक करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से क्या करेंगे पेन का कलर सेलेक्ट करेंगे और इसका थिकनेस दोस्तों आपको कितना कम या ज़्यादा रखना है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और देन दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ठीक है और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे ग्राफिक पेन टैबलेट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख लिख करके पढ़ाना शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मैं आराम से लिख पा रहा हूँ तो ये सारे काम दोस्तों आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं ओके ये हो गया फिर आपको दूसरा सवाल एक्सप्लेन करनी है यहाँ क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जैसे कि ये जो बोर्ड है ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है इसका आपको कलर चेंज करना है ठीक है यह मान लीजिए कि आपने जो है कोई पीपीटी थीम हमसे बनवाई है या आपने खुद से बनाया है और आप उसी थीम के अंदर जो है चीज़ों को पढ़ाना चाहते हैं एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आप जो है बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे ठीक है कैसे करना है जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये यह जो आपको टूल का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा ठीक है यहाँ से टीचिंग बैकग्राउंड में जाएंगे ठीक है यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है बोर्ड का जो है कलर चेंज कर सकते हैं जो कलर आपको चाहिए जैसा चाहिए वैसा दोस्तों आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ओके अगर आपको अपना कस्टम थीम लगाना है आपने जो बनाई है वो लगाना है तो यहाँ पे दोस्तों नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइज का आपको यहाँ क्लिक कर लेना है देन दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से सेलेक्ट लोकल इमेज यानी कि आपने अपने लैपटॉप या के अंदर जो इमेज बना करके सेव करके रखा है उसे दोस्तों आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों मैंने एक इमेज बना करके इस तरह से दिया था ठीक है तो यहाँ पे मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लूंगा तो ये देखिए हमारा जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे जो है चैनल का नाम वगैरह आ जाएगा ठीक है तो यानी कि इस तरह से दोस्तों आप जो है अपना बैकग्राउंड इसमें लगा सकते हैं ताकि दोस्तों ये लगे कि आप जो है पीपीडी के अंदर या पी के अंदर पढ़ा रहे हैं ठीक है ठीक है तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं टूल पे क्लिक करूंगा ये जो टूल का आइकन दिख रहा है यहाँ मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से दोस्तों मैं सॉलिड फील कलर ही ले लेता हूँ कुछ इस तरह का ठीक है तो इस तरह की चीजें हो तो गई कि यहाँ पे कंटेंट कैसे आएगा कैसे क्या करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो टूल आइकन दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है ठीक है तो आप यहाँ से टाइमर भी ले सकते हैं आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये टाइमर आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों आप इसे जहाँ भी रखना चाहें ठीक है यहाँ पे ये यह मूव बटन आपको दिया गया है आप इसे पकड़ेंगे और यहाँ पे दोस्तों इसे रख देंगे उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ से इसे प्ले करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि यहाँ से देखिए मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसे दोस्तों मैं मात्र जो है दो मिनट में सॉल्व करके दिखाऊंगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना शुरू कर सकते हैं ठीक है सवाल को एक्सप्लेन करेंगे और आप बताएंगे कि मैं इतने मिनट में जो है ये सवाल सॉल्व कर सकता हूँ इतने मिनट में ये सवाल सॉल्व हो जाते हैं ठीक है थीके? फिर दोस्तों आप यहाँ से टाइमर को हटा देंगे तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं फिर से यहाँ पे टूल बटन पे क्लिक करूँगा अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है यहाँ पे मैं पहले सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ सब्जेक्ट में ये बैकग्राउंड कलर वगैरह ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे डिसप्लाइन बैकग्राउंड कुछ इस तरह का जो है मैथ वगैरह का जो आता है हैंड राइटिंग वगैरह जो लिखते हैं उस तरह का बैकग्राउंड आ जाएगा ठीक है मैथ का अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इस तरह का जो है मैथ वाली बैकग्राउंड ले सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी यहाँ पे टीचिंग बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको जो है ये ब्लैक बोर्ड वाला जो है ठीक है इस तरह का ब्लैक बोर्ड यहाँ पे ऐड करा सकते हैं और उसके बाद दोस्तों उस आप इसके ऊपर अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं ठीक है बहुत सारे चैनल पे आपने इस तरह की वीडियो देखी होगी कि इस तरह का बैकग्राउंड रहता है और इस तरह से यहाँ पे कंटेंट लिखे होते हैं और वो जो है जो टीचर हैं वो इसके ऊपर पढ़ा रहे होते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे टूल बटन पे ही आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आपको यहाँ क्लिक कर लेना है ठीक है जब आप यहाँ क्लिक करके इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा चलिए तो टीचिंग बैकग्राउंड हमने देख लिया कस्टमाइज बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपना जो है खुद का बैकग्राउंड इसके अंदर लगा सकते हैं ठीक है तो इस तरह की चीजें दोस्तों आप यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हैं ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसे छोड़ते हैं ठीक है ये वाला ऑप्शन हो गया अब दोस्तों यहाँ देखिए ये यह ऑप्शन कहां से आएगा तो दोस्तों यहाँ पे ये यह जो टूल बटन दिया गया है आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहां से इस वाले ऑप्शन में आते हैं डिस्प्लिन टूल ठीक है डिस्प्लिन टूल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे टूल मिल जाएंगे यानी कि सब्जेक्ट वाइज ठीक है सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे टूल मिल जाएंगे जैसे कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ाना है तो आप यहाँ केमिस्ट्री वाले टूल पे क्लिक करके केमिस्ट्री वाला टूल ले सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ से मैं ये वाला टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये हमारा आ गया ठीक है सी ए मतलब कैल्शियम का जो है क्रमांक कितना होता है तो ट्वेंटी होता है और इसे हम किस तरह से तोड़ते हैं ये सारी चीज़ें अगर आपको इसे जो है उस प्रयोडिक टेबल के अंदर आपको दिखाना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे इस आ, सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो शायद ये आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा अब यहाँ पे देखिए जो है मैंने कैल्शियम का लिया है मैं इसे साइड में रख लेता हूँ ठीक है यहाँ पर हमने कैल्शियम दिखाया है अगर मुझे दिखाना है कि आ, हमारा जो हाइड्रोजन होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं कैसे क्या होता है तो यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं ठीक है तो अलग अलग चीज़ों को दोस्तों आप यहाँ पे जो है प्रयोडिक टेबल की मदद से अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से केमिस्ट्री भी सिखा सकते हैं पढ़ा सकते हैं ठीक है फिर से दोस्तों यहाँ पे मैं टूल बटन पे क्लिक करूँगा और फिर से दोस्तों यहाँ पे मैं सेकेंड वाले ऑप्शन में जाऊँगा ठीक है डिसिप्लिन टूल में जाऊँगा तो यहाँ पे दोस्तों हमने केमिस्ट्री का टूल आपको दिखा दिया यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ठीक है केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो दोस्तों आप यहाँ से जो है टूल को लेकर के बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं ठीक है तो केमिस्ट्री का टूल आपको मिल गया बाकी आ, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है फिजिक्स का भी मिल जाएगा मैथ का ठीक है मैथ का ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ से दोस्तों मैं मैथ के टूल पे क्लिक करता हूँ अब जैसे कि दोस्तों मुझे जैसे कि दोस्तों जियोमेट्री वगैरह पढ़ाना है तो आप यहाँ से ये चीज़ें ले सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप इसे जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माउस का रख करके इसकी लंबाई जो है जितना रखना चाहें आप रख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों अगर आपको इसे इस तरह से घुमाना है और उसके बाद दोस्तों अगर मुझे यहाँ से कुछ बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा माउस कर्सर को यहाँ पे रखूँगा जहाँ पे ये नींव है यहाँ पे मैं रखूँगा और यहाँ से माउस से पकड़ के इस तरह से घुमा दूँगा तो ये हमारा जो है सर्कल बन जाएगा ठीक है फिर से मैं इसकी जो है ये जो त्रिज्या है इसे मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ तो इसके लिए मैं इसे छोटा करूँगा और फिर दोस्तों यहाँ पे मैं माउस कर्सर को नीब के पास रखूँगा और इस तरह से दोस्तों मैं छोटी ब्रित बना सकता हूँ तो इस तरह का काम दोस्तों आप यहाँ से बड़े आराम से कर सकते हैं फिर दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दोस्तों और भी चीज़ें आपको मिल जाएगी जैसे रूलर कैलकुलेटर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी ठीक है उसके बाद दोस्तों आप जो है इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं बाकी यहाँ पे टूल दिए गए हैं तो दोस्तों आप ये सारे टूल यूज़ कर सकते हैं जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना है आ, कोई चीज़ जो है हाईलाइट करके दिखाना है कैलेंडर दिखाना है आ, घड़ी के बारे में पढ़ाना है ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं किसी चीज़ को फोकस करना है वो सारी चीज़ें ठीक है यहाँ पे दोस्तों और भी चीज़ें मिल जाएगी यानी कि आप यहाँ पे जो है अपना कुछ जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने जो है कुछ मैप वगैरह ऐड किए हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ठीक है जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मैप जो है कुछ इस तरह से दिख जाएगा और फिर दोस्तों मैं क्या करूंगा अल्ट और टैप प्रेस करके यहाँ पे वन नॉट में जाऊंगा और यहाँ से दोस्तों ये जो डेस्कटॉप मोड है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये मैप आ जाएगा और फिर दोस्तों यहाँ पे मैं थ्री डॉट पे क्लिक करके पहले से जूम कर लेता हूँ ठीक है और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे पेन टूल सेलेक्ट करेंगे ठीक है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं पेन का कलर जो है पर्पल ले लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों इसका थिकनेस कितना रखना है कितना कम या ज़्यादा रखना है आप रख लेंगे और देन दोस्तों आप क्या कर सकते हैं ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इधर ये है उधर ये है इधर ऐसा है ऐसा है इस तरह की चीज़ें दोस्तों आप बहुत ही आराम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है ये मैप दोस्तों इसके अंदर नहीं आता है ये चीज़ें आपको इसके अंदर ऐड करना होता है ठीक है तो मैं वापस से यहाँ पर पेन टूल पर क्लिक करूँगा ठीक है तो ये गायब हो जाएगा हाइड हो जाएगा और फिर दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है फिर मैं यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो ये सारे पेन दिख जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों नॉट का ऑप्शन मिलेगा एन लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं बोर्ड पे आ जाऊँगा ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मैप है ये कैसे ऐड करना है तो दोस्तों आपको क्या करना है पहले से इस तरह का मैप डाउनलोड कर लेना है और ये मैप कैसे डाउनलोड करते हैं उसका लिंक दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर है कि मैप वाली जो है पीपीटी कैसे बनाए पूरा कोर्स ही मैंने बनाया हुआ है तो उसमें दोस्तों आप देख करके जो है मैप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फिर दोस्तों आप यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे ठीक है फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये जो ऑप्शन है ठीक है टूल वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये यह जो शेयर का आइकन जैसा आपको दिख रहा है मोर रिसोर्सेस आपको इसमें आना है और यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके यहाँ से रिसोर्स को ऐड कर लेना है मान लीजिए कि आपने पीपीटी में जो है कुछ इस तरह का जो है चीजें बनाई है ठीक है अपने पीपीटी के अंदर कुछ इस तरह का पेज बनाया तो दोस्तों आप इसे पढ़ाना चाहते हैं जो कि आपने ऑलरेडी बनाया हुआ तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और फिर दोस्तों आप क्या करेंगे अल्टा प्रेस करके वन नॉट में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों ये जो डेस्कटॉप वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक कर देना है तो ये जो है इमेज यहाँ आ जाएगा और फिर दोस्तों आप यहाँ से क्या करेंगे पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो है पेन से लिख लिख करके बड़े आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं ओके फिर से दोस्तों यहाँ से मैं नोट में जाता हूँ अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और इसमें दोस्तों मैं कोई दूसरा रिसोर्स ऐड कर लेता हूँ सपोज देट कि अगर आपको पी से पढ़ाना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं पी भी ऐड करा सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ से मैं जो है क्या करता हूँ यहाँ से इस पी को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं ऐड करा लेता हूं। अब मुझे पी से पढ़ाना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पी ओपन हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से ये हमारा पी ओपन हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी हम जो है टूल लेकर के पढ़ा सकते हैं ये तो मैंने कल बताया ही है लेकिन मान लीजिए कि आपको ये टूल यूज नहीं करना है आपको जो है वन नॉट वाला टूल यूज करना है तो अल टैप प्रेस करके यहाँ से स्विच हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पे दोस्तों ये जो डेस्कटॉप आइकन दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है लिखने वाला टूल आ जाएगा फिर दोस्तों आप इसे साइड में कहीं भी रख देंगे और देन दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से इस टूल को सेलेक्ट करना है यानी कि पेन टूल को सेलेक्ट करना है ठीक है देन दोस्तों आप यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से जो है बहुत ही आराम से लिख, लिख लिख करके पढ़ा सकते हैं ठीक है बहुत ही स्मूथली दोस्तों आप जो है ग्राफिक पेन टेबलेट की मदद से लिख लिख करके बहुत ही स्मूथली दोस्तों आप जो है ग्राफिक पेन टेबलेट की मदद से लिख लिख करके पढ़ा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आप पी भी आप यहाँ पे चाहें तो पीपीडी भी ऐड करके रख सकते हैं ठीक है आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे पीपीडी भी ऐड करके रख सकते हैं तो पी को कैसे ऐड करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों मैंने मान लीजिए कि कोई पी बनाई है बनाइए जैसे ये पी बनाई है मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ऐड करा लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये हमारा पी पी एम एस पावर पॉइंट के अंदर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा अल्टे प्रेस करके वन नॉट में जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों मैं डेस्कटॉप वर्जन ओपन कर लूँगा तो यहाँ पर ये यह हमारे पास लिखने का ऑप्शन आ जाएगा फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा इसे पकड़ के कुछ इस तरह से इस साइड में रख लूँगा और देन दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा पेन टूल सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं लिख लिख करके बड़े आराम से पढ़ा सकता हूँ अगर मुझे इरेज करना होगा तो यहाँ से मैं इरेजर लूँगा और इस तरह से दोस्तों मैं चीज़ों को इरेज कर सकता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप बना सकते हैं तो ये भी मैंने बता दिया ये भी बता दिया और ये भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया ठीक है तो इंग्लिश मैथ फिजिक्स जो भी पढ़ना अच्छा मैथ में एक चीज़ और है मैथ में आते हैं ठीक है डिसिप्लिन टूल में आते हैं मैथ में आते हैं मैथ में आने के बाद दोस्तों तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है रिकोगनाइज ठीक है रिकोगनाइज मैथमेटिक्स फार्मूलाज ठीक है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा ठीक है अब मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ आप जो है कुछ टाइप करना चाहते हैं ओके तो आप कैसे टाइप करेंगे तो आपको क्या करना है पहले तो रिकॉग्नाइज मैथमेटिक्स टूल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये यह यहाँ पे आ जाएगा और देन दोस्तों आप उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे ग्राफिक पेन टैबलेट के ऊपर आपको क्या करना है यहाँ पे जो है आपको फार्मूला लिखना है ठीक है यहाँ पे आपको अपना फार्मूला लिखना है ठीक है तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखेंगे वो यहाँ पर लिखाएगा और देन दोस्तों आप यहाँ से इसे इंसर्ट करवा देंगे ठीक है तो फिलहाल मैं इसे क्लियर करता हूँ और उसके बाद दोस्तों मैं आपको जो है ग्राफिक पेन टेबलेट की मदद से फार्मूला को लिख करके दिखाता हूँ ठीक है इसे लिखना है मुझे वन रूट टू तो ये देखिए बहुत ही आराम से लिख दिया ठीक है यहाँ पे लिखना है मुझे साइन थीटा तो ये देखिए यहाँ पे आराम से लिख पा रहा है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप मैथ का जो है ना कोई भी फार्मूला जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं और देन दोस्तों आप यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करके इसे जो है यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं और देन दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप मैथ का फार्मूला वगैरह आप बड़े आराम से जो है ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से यहाँ पे लिखेंगे तो आपके बोर्ड पे आ जाएगा ठीक है जो भी फार्मूला आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से इस तरह से लिख करके इंसर्ट करवाएंगे वो फार्मूला दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप दोस्तों बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं मैं यहाँ पे ये यह समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम पावर पॉइंट के अंदर पढ़ाते हैं ठीक है जिस तरह से हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके पढ़ाते हैं उस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह का जो है यहाँ पे पीपीटी बना सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ ठीक है ये हमने जो है नोट थ्री के अंदर जो है पी बनाया है तो इस तरह से आप जो है सारी चीज़ें बना लेंगे ठीक है और कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है ठीक है इस तरह से आप बना लेंगे यहाँ पे जो है सवाल वगैरह ऐड कर देंगे और जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जो है लगभग जो है पाँच सवाल के लिए पाँच स्लाइड बनाया है ठीक है तो आप इस तरह से बना लेंगे और इसे जो है इस तरह से इस फॉर्मेट में यानी कि इस तरह से आप क्या करेंगे नॉट फाइल फॉर्मेट में इसे सेव कर लेंगे ठीक है और देन दोस्तों जब आपको पढ़ाना होगा ठीक है पहले आप इस तरह से टीचिंग मटेरियल तैयार कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों जब आपको पढ़ाना होगा जब आपको अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा उस समय आप क्या करेंगे इस तरह से आप यहाँ से इस नोट फाइल को ओपन करेंगे और ओपन होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं ठीक है अब आपको बस क्या करना है यहाँ पे मेन्यू बार पे क्लिक करना है मोड में जाना है और यहाँ से टीचिंग मोड में से कर लेना है ठीक है अच्छा यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें दी गई है प्लस वाले पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा और देन दोस्तों यहाँ से मैं जो है पेन टूल ले कर के कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ ठीक है फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ठीक है यहाँ पे ये यह जो बटन दिया गया है मैं इस पर क्लिक करूँगा ए बी सी में जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह का बोर्ड दिया गया है तो दोस्तों आप इस बोर्ड के ऊपर जो है कुछ भी लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस इसका जो डिजाइन होगा वो कुछ इस तरह से आएगा ठीक है अच्छा यहाँ पे दोस्तों देखिए जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं जैसे कि हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये आ गया है तो इससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे एक जो है टूल भी ऐड हो गया है ठीक है यहाँ पे ये यह टूल नया ऐड हो गया है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इसमें बता रहा है कि आपको जो है इस तरह का पेज मिलेगा और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज मिलेगा ठीक है तो मान लीजिए कि मैं इंग्लिश में हैंड राइटिंग जो है कैसे अच्छा बना सकते हैं वो चीज़ें मैं छोटे बच्चों को सिखा रहा हूँ तो आप इस लाइन में मतलब जो है इस तरह के लाइन में किस तरह से छोटे बच्चों को लिख लिख करके पढ़ा सकते हैं समझा सकते हैं वो सारे काम आप इसमें कर सकते हैं ठीक है फिर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ये जो है केमिस्ट्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ठीक है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये टूल नया ऐड हो गया है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये जो है तो ये कुछ इस तरह से केमिस्ट्री वाला जो है सूत्र आ जाएगा ठीक है फिर अगर मुझे इसे डिटेल में सिखाना है तो यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा तो ये प्रियोडिक टेबल आ जाएगा और देन दोस्तों आप यहाँ से इसे यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं ठीक है ये देखिए ये देखिए जो भी आपको चीजें पढ़ानी हो वो चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं ठीक है तो इस तरह की चीजें दोस्तों आप बड़े आराम से ले सकते हैं मतलब ऐसा है नहीं कि आपको यहाँ क्लिक करना होगा ठीक है यहाँ क्लिक करना होगा फिर आपको यहाँ से यहाँ लेना होगा उतना नहीं करना है बस आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आ जाएगी ठीक है जैसे कि मुझे फिजिक्स पढ़ाना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का बोर्ड आ जाएगा और मुझे अगर कुछ डायग्राम वगैरह या थ्री में कुछ चीज़ें ड्रॉ करना है तो यहाँ पर कुछ इस तरह का जो ये चीज़ें आ जाएगी ठीक है थ्री डी स्केज यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ठीक है इस पे क्लिक करके रखूंगा तो कुछ इस तरह की चीजें आ जाएगी और फिर दोस्तों आपको यहाँ से जो भी चीजें लेना होगा जैसे कि यहाँ से मैं बेलन ले लेता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह की जो है मैथ पढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का डायग्राम चाहिए होता है तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं फिर है, मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे कुछ इस तरह का चाहिए तो मैं इस तरह का ले सकता हूँ ठीक है मतलब अगर आप इस चीज़ को अच्छे से सीख लेते हैं थोड़ा सा इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे दो चार दस दिन आप इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप जो है जिस तरह से डिजिटल बोर्ड पे एक टीचर सारी चीज़ें ले करके पढ़ा सकता है उस तरह से दोस्तों आप जो है लैपटॉप के अंदर सारी चीज़ें करके आप अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं केमिस्ट्री टूल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये टूल जो है नया आ गया केमिस्ट्री वाला और यहाँ से दोस्तों ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो वही प्रोडिक टेबल आ जाएगा इसे दोस्तों यहाँ पे मैं साइड में रख लेता हूँ और इसे यहाँ पे मैं रख लेता हूँ अब दोस्तों यहाँ से मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको पढ़ाना है कि कौन सा केमिकल जो है किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है कैसे क्या होता है ये सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ से जो है बड़े आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया गया है तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जो करना चाहें जैसा करना चाहें बड़े आराम से कर सकते हैं अब जैसे छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाना है कुछ ड्राइंग वगैरह पढ़ाना है तो दोस्तों आप इस तरह का पेज ले सकते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें दिया गया है चलिए अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो मैं इसका जो है बैकग्राउंड चेंज करता हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं नॉट ओपन करता हूँ तो यहाँ से दोस्तों मैं नॉट में आ गया हूँ ठीक है जो सिंपल हमारा होता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ सेटिंग मिलेगी यानी कि आप इस सॉफ्टवेयर का जो लैंग्वेज है वो आप क्या रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है और आपका डिफॉल्ट फॉन्ट क्या रहेगा ठीक है डिफ़ॉल्ट फट क्या सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट फट सेट हो जाएगा इससे क्या होगा कि आपको बार बार जो है वो फॉन्ट नहीं ले लेना पड़ेगा वो फॉन्ट जो है बार बार आपको सेट नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ से मैं एडोबी देवनागरी फॉन्ट ले लेता हूँ ठीक है बाकी यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं करना है ठीक है प्रेजेंटेशन में रखना है अपडेट वगैरह नहीं चाहिए ठीक है तो इस तरह से कर लेंगे ठीक है अगर आप चाहते हैं कि ये कलर जो है हमारा सेट हो जाए ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट जब कभी भी हम इस बोर्ड को ओपन करेंगे तो इसी कलर में आना चाहिए तो आप यहाँ से जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अगर मैं चाहता हूँ कि बार बार हमारा बोर्ड जैसे ये ओपन होता है तो ये कलर आना चाहिए तो ये कलर सेट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं आप, आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं चलिए तो यहाँ पे मैं ये ग्रीन बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिफो मतलब जो है डन कर देता हूँ ठीक है अभी ये हमारा ऐसा दिख रहा है अब मैं क्या करूँगा यहाँ से इसे एग्जिट करूँगा ठीक है यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ अब जैसे मैं इस बोर्ड को ओपन करूँगा ठीक है जैसे मैं इस बोर्ड को ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो बोर्ड है वो ग्रीन कलर में आ रहा है ठीक है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए वो चीज़ें दोस्तों आप इसमें सेट कर सकते हैं लेकिन पढ़ाने से पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा प्रेजेंटेशन बनाना होगा ठीक है फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है इंपोर्ट मतलब यहाँ पे आप अगर कोई फाइल इंपोर्ट करके ओपन करना चाहते हैं तो वो चीज़ें दोस्तों आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आपका जो है पीपीटी फाइल ओपन करना है तो आप यहाँ से पीपीटी पी सेलेक्ट करेंगे और इसे दोस्तों आप यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा कि ये सर पीपीटी हमारा ओपन नहीं हुआ लेकिन जैसे आप अल्ट और टैप प्रेस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर ये यह पी पी नहीं आया तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर ये यह जो डेस्कटॉप मोड दिया गया है आपको डेस्कटॉप मोड में चले जाना है तो यहाँ पर आपको ये पी मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं थ्री इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से ठीक है तो कुछ इस तरह से ये पीपीटी आपका ओपन हो जाएगा अब आप क्या करेंगे यहाँ से स्लाइड शो में जाएंगे और यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इसे स्लाइड शो कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है ये टूल रहेगा ठीक है पीपीटी के ऊपर लिखने के लिए ये टूल आ जाएगा और देन दोस्तों आप यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे ठीक है आप यहाँ पे डबल क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ से आप जो है पेन का कलर चेंज कर सकते हैं अब दोस्तों काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर पेन का थिकनेस जो है पी पी के अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों इसमें तो वो ऑप्शन नहीं होता है लेकिन जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिसका नाम है नोट थ्री तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपको पेन का थिकनेस भी बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है जितना आपको थिकनेस रखना है आप रख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से दोस्तों आप बहुत ही ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से दोस्तों आप यहाँ पर जो है बहुत ही आराम से लिख लिख करके अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है और इसकी जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा स्मूथ है ठीक है बहुत ही आराम से मैं लिख सकता हूँ ठीक है तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही आराम से कर पाएंगे तो अगर आपको इसे इरेज करना है तो दोस्तों आपको यहाँ क्लिक करना है यहाँ से इरेजर लेना, लेना है और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ से चीज़ों को इरेज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ से माउस पे क्लिक करेंगे माउस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे फिर यहाँ पे स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो है ये स्लाइड इस तरह से चेंज हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है कुछ पढ़ाना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ से पेन लेंगे और देन दोस्तों आप ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख लिख करके आप यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े आराम से दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं यहाँ पे कोई चीज़ हाईलाइट करना है कुछ घेरा लगाना है कुछ इस तरह से करना है तो ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से दोस्तों आप आराम से जो है तो इस तरह से आप कर सकते हैं फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से माउस सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे पीपीटी के ऊपर क्लिक करके फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँगा ठीक है तो थोड़ा सा दोस्तों आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा और जितना ज़्यादा दोस्तों आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा दोस्तों आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे और एक बार अगर आपको इसकी आदत पड़ गई तो दोस्तों फिर आप जो है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर नहीं जाएंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको जो है सबसे ज़्यादा मज़ेदार आपको यही सॉफ्टवेयर यूज करने में लगेगा क्योंकि दोस्तों इसमें जो है वो सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल बोर्ड में होता है ठीक है तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है एक एक चीज़ों को एक्सप्लोर करना है बाकी एक्सपोर्ट करना इम्पोर्ट करना ठीक है अच्छा यहाँ पे रिकॉग्नाइज मैन का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये यह हमारा पेन कुछ इस तरह से आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आप ग्राफिक उसके बाद दोस्तों ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से आप जो भी चीज़ें लिखेंगे ठीक है यहाँ पे मैं लिखता हूँ राजीव आर ए जे डबल ई वी राजीव लिखता हूँ यहाँ पे देखिए राजीव लिखा जाएगा ये देखिए आगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुमार के यू एम ए आर कुमार यहाँ पे देखिए ये कुमार आ गया ठीक है